नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। खबर मौसम से जुड़ी है, जहां हम आपको बता दें दीपावली आ गई है और दीपावली के साथ लोग फोड़ते हैं पटाखे। वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी दिया है कि इस साल शायद आपको पटाखे फोड़ने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। जी हाँ, जिस तरीके से मौसम में आए दिन बदलाव हो रहे हैं, उसके कारण मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। अलर्ट जारी करने मौसम विभाग ने कहा है कि दीपावली से लेकर गोवर्धन पूजा तक बिहार के कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। सतरंगी चक्रवर्ती तूफान के कारण ये प्रभाव बिहार के कई जिलों में पड़ने वाला है, जिसके बाद शायद आपको दशहरे की तरह दीपावली में भी बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं मौसम विभाग ने क्या कुछ ताज़ा अपडेट जारी किया है मौसम को लेकर, आइए हम आपको बताते हैं। दिवाली के मौके पर चक्रवाती तूफान सितरंग बिहार में सितम ढा सकती है। दिवाली और गोवर्धन पूजा पर राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो चक्रवाती तूफान बिहार में त्योहारों के रंग में फिर से भंग डाल सकता है। इससे पहले दुर्गा पूजा और दशहरा के दौरान भी बारिश की वजह से लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत मौसम विभाग ने रविवार को बिहार के अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में चक्रवाती तूफान का आसार देखने को मिलेगा। झारखंड और बंगाल की सीमा से सटे बिहार के जिलों में भारी बारिश से संबंधित गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सतरंग के प्रभाव से बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इससे तटीय इलाकों में तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तटीय राज्यों से सटे इलाकों में भी बारिश के आसार हैं। बिहार में मॉनसून की विदाई के बाद हवा में ठंडक घुलना शुरू हो गई है। कई जिलों में रात में तापमान में गिरावट आई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दक्षिण पूर्व और दक्षिण मध्य से बिहार में दीपावली के बाद दिन का भी पारा 2 डिग्री सेल्सियस तक घट जाएगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि सितरंग चक्रवर्ती तूफान के कारण बिहार के कई जिलों में मौसम में कई तरीके के बदलाव दिखेंगे, जिसके बाद दीपावली के बाद लोगों को ठंड महसूस हो सकती है और साथ ही रात के साथ अब सुबह में भी टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।